हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल एंट्रेंस एग्जाम गाइड। सो गाइस, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं GNIIoT 2023 एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में। जी गाइस, आप लोग का एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज हो चुका है। एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के लिए आपको सिंपली क्या करना होगा, डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक दे दी गई है, उस लिंक पे क्लिक कर देना है। आपके सामने जो इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा, यहाँ पे देख सकते हैं GNIIoT एडमिशन 2023 एप्लीकेशन स्टार्ट है। तो नीचे यहाँ पे नोटिफिकेशन कॉलम दिखा देगा। अब गाइस, इस नोटिफिकेशन कॉलम में आप देख सकते हैं क्लियरली लिखा है कि आप लोगों का UGPG दोनों का एप्लीकेशन रिलीज हो चुका है एंड यहाँ पे आपको अप्लाई करने की लिंक भी दे दी गई है। सिंपली क्लिक है, जो अप्लाई पे आपको क्लिक करना है, आपके सामने इस तरह की जो डायरेक्टली ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो जाएगी। देन गाइस, यहाँ पे आप लोगों को जो अपना नाम एंटर कर देना होगा। नाम एंटर करने के बाद गाइस, आप लोगों को जो अपना ईमेल एड्रेस यहाँ पे एंटर कर देना है। जैसे दो डिटेल्स आप एंटर कर लेते हैं, उसके बाद गाइस आप लोगों को यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर एंटर करना होगा। मोबाइल नंबर एंटर करने के बाद गाइस, आपको अपना किसी भी इतने चॉइस का कोई भी एक पासवर्ड एंटर कर लेना है। देन स्टेट सेलेक्ट कर लेना होगा, उसके बाद सिटी एंटर करनी है, किस कोर्स के लिए अप्लाई करना है तो कोर्स सेलेक्ट करना है। और यहाँ पे आपको जो कैप्चा दिखाई दे रहा है, कैप्चा फिल करके सिंपली एग्री पे क्लिक करना है एंड अप्लाई नाउ पे क्लिक कर देना होगा। जैसे आप अप्लाई नाउ पे क्लिक करेंगे, अप्लाई नाउ पे क्लिक करते हैं, आप लोग कैसे यहाँ पे रजिस्टर हो जाएगा। यहाँ पे एक्चुअली जो है मैंने पासवर्ड और मोबाइल नंबर दोनों गलत है सैंपल के तौर पे आपको बताने के लिए, लेकिन आपको जो है वैलिड डालना होगा। तो आपका यहाँ पे जो अप्लाई नाउ पे क्लिक करते हैं, आप लोग यहाँ पे अप्लाई हो जाएंगे एंड अप्लाई होने के बाद गाइस, फिर आप लोग को डायरेक्टली जो आपके ईमेल एड्रेस पे मेल आ जाएगा, उस पर क्लिक करके आप लोग अपना ईमेल आईडी वेरीफाई कर लेना है। एंड गाइस, आपने जो ईमेल आईडी डाली वही ईमेल आईडी यहाँ पे एंटर कर देना होगा। फिर और ईमेल आईडी एंटर करने के बाद आप लोगों को सिंपली जो पासवर्ड आपने रजिस्ट्रेशन पे एंटर किया वही पासवर्ड एंटर करना है, लॉगिन पे क्लिक करना है एंड आप लोग डायरेक्टली अपने अकाउंट में लॉगिन हो जाएंगे। अब गाइस, लॉगिन होने के बाद आपको क्या करना होगा, जैसे आप लॉगिन हो जाते एक बार, तो लॉगिन होने के बाद वहाँ पे सिंपली आपको आपके सारे पेंडिंग डिटेल्स एंटर कर देनी है, जो भी आपकी पेंडिंग डिटेल्स है सारी की सारी पेंडिंग डिटेल्स एंटर करनी होगी। उसके बाद गाइस, फिर आप लोगों को डॉक्यूमेंट फोटो या सिग्नेचर स्कैन करके अपलोड करना है एंड लास्ट में आपको जो एप्लीकेशन फी पे करना होगा, आपका रजिस्ट्रेशन कंफर्म हो जाएगा। इनकेस कोई भी प्रॉब्लम फेस होता है, कोई भी इशू, तो आप डायरेक्टली कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, हम जरूर आपकी मदद करने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।